बिलासपुर के इंदिरा भवन में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए जिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष तृप्ता ठाकुर, सदर ब्लॉक महासचिव अवेद भारद्वाज, सचिव नरेश कुमार तथा सदर ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रीति भाटिया ने कहा कि सुरेश चंदेल आज तक कांग्रेस को गालियां देते रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस ने भी रिश्वत प्रकरण को लेकर उनका डटकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि 2012 के विधानसभा चुनाव में चंदेल कांग्रेस प्रत्याशी बंबर ठाकुर के खिलाफ मैदान में उतरे थे। उस दौरान कांग्रेस ने उनके भ्रष्टाचार की सीढ़ी हर जगह दिखाई थी, साथ ही भ्रष्टाचार में संलिप्ति के कारण उन्हें चुनाव में भारी अंतर से शिकस्त भी झेलनी पड़ी थी। अब उन्हें कांग्रेस में लेने से क्या उनके पाप धुल जाएंगे? कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी के पास कर्मठ व समर्पित योद्धाओं की कमी नहीं है। अकेले बिलासपुर जिला से ही वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर, राजेश धर्मानी और बंबर ठाकुर संसदीय चुनाव में जीतने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से किसी भी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जाए तो कांग्रेस कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर उसके लिए काम करेंगे। अलबत्ता पैराशूटी नेता किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न केवल हमीरपुर बल्कि मंडी, कांगड़ा और शिमला सीट से भी पार्टी हाईकमान को सोच समझकर प्रत्याशी को मैदान में उतारना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि आलाकमान पार्टी के कर्मठ व निष्ठावान कार्यकर्ता की भावनाओं की अनदेखी नहीं करेगा और सच्चे सिपाही को ही चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। हम सभी उसका विरोध करते हैं क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ हम फील्ड में गए और हमने उनके भ्रष्टाचार के बारे में और उनके विरोध में जाके जो है हमने प्रचार किया है, अब हम किस मुंह से जो लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे? अगर हाईकमान ये फैसला कर ही देती है तो हम पूरी कांग्रेस कमेटी और जितने भी कार्यकर्ता है हम काले झंडे दिखाएंगे। हम इसका जो है कड़ी निंदा से इसका विरोध करते हैं। अगर हाईकमान टिकट देना चाहती है तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो कांग्रेस पार्टी का हो, जिसकी अच्छी छवि हो। जैसे हम हाईकमान से अनुरोध करते हैं कि हमारे माननीय रामलाल ठाकुर जी हैं, सीनियर हैं, और राजेश धर्माणी जी हैं, माननीय बंबर ठाकुर जी हैं, इनमें से किसी भी बंदे को जो है टिकट दे दिया जाए तो अगर ये सीट अगर हाईकमान निकालना चाहती है तो इनमें से किसी भी को टिकट दिया जाता है तो आराम से सीट निकल जाएगी। अगर सुरेश चंदेल जी को टिकट देते हैं तो हम सभी कार्यकर्ता इसका पूरे जोर तोर से जो है विरोध करेंगे और उचित हुआ तो हम झंडे भी दिखाएंगे।